लेकिन अब मैं फंस जाता हूँ सीरियसली। एक दो स्टूडेंट्स ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन उनको खुद ये बात अंडरस्टैंड करनी चाहिए। मैं टेस्ट अपलोड करती हूँ कि जी ये टेस्ट है, आप लोगों ने मुझे सबमिट करवाना है। लिटरली स्टूडेंट देखें बेटा, मेरे पास जब सारे टेस्ट इकट्ठे होंगे ऑब्वियसली मैं उन टेस्ट को चेक करूंगी और टेस्ट चेक करके आपको दूंगी। या तो कोई हफ्ता गुजर गया हो या महीना गुजर गया हो, मैंने आपको टेस्ट चेक करके ना दिया हो, आप फिर मुझे कहें कि मैम मेरा टेस्ट चेक नहीं है। अभी इनबॉक्स आता ही है मुझे, एक टेस्ट एक पीडीएफ फाइल रिसीव होती है, और अगर विद इन 1 सेकेंड या 5 सेकेंड मैंने रिप्लाई नहीं किया, मुझे कॉल आ जाती है, मैम मैंने टेस्ट जो है वो सबमिट करा दिया, मैम मेरा टेस्ट चेक नहीं हुआ, अभी तक चेक नहीं हुआ। उस एक टेस्ट के पीछे पता नहीं कितने इनबॉक्सेस आते हैं, उस एक टेस्ट के पीछे पता नहीं कितनी कॉल्स आती हैं। बेटा आपका टाइम जो है ना वो मॉर्निंग का है, मैं इतना एक्स्ट्रा टाइम लगाती हूँ आप लोगों के साथ, और एंड में मुझे मिलता क्या है कि मॉर्निंग में जब से ये कोरोना वायरस का स्पेशली जो स्टार्ट हुआ है मसला, पार्ट टू के भी स्टूडेंट्स हैं लेकिन वो लिटरली इतना मुझे बग नहीं करते जितना आप लोग मुझे बग। अभी अमेरिकन लिटरेचर स्टार्ट नहीं हुई और देखें बुक लिस्ट आपको जो दी गई है मैंने उसी में से पढ़ाना है, कोई पांचवी या छठी किताब मैंने वहां से नहीं प्रोड्यूस करनी आपको जो के पढ़ाना है। लिखा हुआ था कल लिस्ट में, लिस्ट टू बाय द बुक्स फॉर द न्यू कमर्स, इट मींस कि आपने यही बुक्स हैं मैंने जो आपको बताई हुई है आपने ऑर्डर कर दी। जब मैं अमेरिकन लिटरेचर स्टार्ट करवाऊंगी मैं ऑब्वियसली आपको बताऊंगी कि बेटा हमने कौन कौन सी किताबें किस किस तरह से करनी है। अभी तो हम ड्रामा पे बैठे हुए हैं, हमारा क्या ड्रामा कंप्लीट हो गया? इस तरह के आप ग्रुप में मैसेजेस कर देते हैं, उसके बाद पूरा ग्रुप कंफ्यूजन का शिकार हुआ होता है। और टाइमिंग्स क्या होते हैं, 9 बजे 9:30 बजे। आपको मैंने बेटा एक चीज बताई है कि हमारे घर में सब अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं और 10 बजे मैं सारा कुछ वाइंड अप कर रही होती हूँ, मगरिब के टाइम हमारे घर में खाना लग जाता है और 6 बजे से 9 बजे का टाइम होता है, मैं इतनी बिजी होती हूँ कि मेरे पास नहीं होता इतना टाइम कि मैं आपके मैसेजेस का जवाब दूँ। इवन जब मैं 12 बजे तक, फिर मैं अपने आप को बिल्कुल टोटली अपना घर जिसे कहना चाहती हूँ लॉकडाउन करके मैं सिर्फ अपने स्टूडेंट्स के लिए बैठी रहती हूँ 12 बजे तक सुबह के, कि मेरे किसी स्टूडेंट को कोई मसला है कोई क्वेश्चन है मैं 12 बजे तक रिप्लाई कर रही होती हूँ स्टूडेंट्स। इसके बावजूद अब तो बेटा छुट्टियां हैं आप सारों को, छुट्टियां जब से शुरू हुई हैं स्टूडेंट्स ने ऐसा सोना शुरू किया है जिसकी कोई हद नहीं है, और शाम को फिर मुझे कॉल्स आ रही हैं, मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, और उसमें भी खोदा पहाड़ निकला चूहा। कॉल्स मुझे जब आप इतनी ज्यादा करेंगे मैं तो परेशान होंगी ना कि पता नहीं मेरे स्टूडेंट के साथ क्या हो गया, अल्लाह खैर करे कोई मसला तो नहीं हो गया, आगे खोदा पहाड़ और निकला चूहा, मसला कुछ भी नहीं होता, उल्टा वेस्टेज ऑफ टाइम। एक इंसान अपने आप को भूखा रखे, और यकीन करें बाज़ औक़ात में शाम को जब मैंने उस दिन एक दो दिन पहले जब मैंने फ़ोन उठाया है मेरे बच्चों का खाना लेट हुआ, मैं उस दिन भूखी रह गई, और जब मैंने कॉल अटेंड की पता चला कि ना तो उसमें कोई मसला था ना ही कोई कुछ और था, लेकिन मेरा आधा घंटा चला गया। एटलीस्ट बेटा आप लोग माशाल्लाह पढ़े लिखे बीए पास लोग हैं, अच्छी खासी उम्रें गुजार चुके हैं, थोड़ा सा एक मतलब मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ, इतने आपको लेसन दिए जाते हैं इतने लेक्चर दिए जाते हैं कि काइंडली मैनेज योर टाइम, एटलीस्ट आप सुबह सुबह उठ भी नहीं सकते। स्ट्रेंथ देखें कितनी है, 11 पार्टिसिपेंट्स मुझे मिला के, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं 22 स्टूडेंट, 50% स्टूडेंट आज भी एबसेंट है। अब इन बाकी 50% स्टूडेंट ने क्या करना है, इनको जब रिकॉर्डिंग मिलेगी ना इन्होंने कंफ्यूज हो जाना है और उसके बाद फिर इन्होंने मुझे इनबॉक्स करना, इज दैट ट्रू? और टाइम पता क्या होगा, जब आधी रात हो जाएगी मेरी आंखें बंद हो जाएगी, कल रात भी यही हो रहा था ग्रुप के, मगरिब होती है और स्टूडेंट्स के मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं, इज दैट द टाइम फॉर योर मैसेजिंग? और कम अज कम मैसेज करते करने से पहले ये तो सोचें कि चल क्या रहा है, चल तो ड्रामा रहा है। आप मुझसे ड्रामा के बारे में पूछें, आप मुझसे इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट के बारे में पूछें, और किसको नहीं पता, आप लोग जो है जो मेरा हमारा एक चैट रूम भी बना हुआ है उसके अलावा हमारी, मैंने आपको अनाउंस किया है ना कि अभी हमने टेक्स्ट करना है हमारा नेक्स्ट वीक, अभी हमने टेक्स्ट करना है इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट का टेक्स्ट करना है, इसके बावजूद सारे अमेरिकन लिटरेचर पे पहुंचे हुए।
बुक लिस्ट शेयर करने के बावजूद क्वेश्चन पे क्वेश्चन दो रहे। क्या अगले दिन आपका लेक्चर नहीं होना था आज? मुझे खुद बताएं, आपको आज लेक्चर नहीं होना था या आपको सैटरडे संडे में मैसेजिंग एंड मैसेज? सैटरडे संडे इज ऑफ। ऑफ का मतलब ये होता है सारा कुछ बंद कर दो। सैटरडे संडे को भी अगर बेटा आप मुझे इतना ही तंग करेंगे तो लिटरली मैं तो मेंटली कभी भी रिलैक्स, कल लिटरली मैं रात को बैठी हूँ, मैंने कंप्यूटर इसलिए ऑन किया कि मैंने कल अपने स्टूडेंट्स को पार्ट वन और पार्ट टू का लेक्चर देना है, मैं जरा अपनी फाइल्स ऑर्गेनाइज कर दूँ। मैं तो आप लोगों के मैसेजेस पढ़ 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 के मेरा तो दिमाग ही उल्टा हो गया। मैंने कहा यार ये स्टूडेंट्स कब पढ़े होंगे, और लिटरली लास्ट 3 डेज से आप लोगों ने मुझे इतना बग किया है, इतना बग किया है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे 3 बच्चे इसी रूम में बैठे हुए हैं बेटा, आप यकीन नहीं करेंगे, इसी कमरे में। लेकिन आपको ड्यूरिंग लेक्चर कोई आवाज आ रही है? आपको लग रहा है यहाँ पे 3 बंदे बैठे हुए? आप अंदाजा करें, आपको लग रहा है यहाँ 3 बच्चे बैठे हुए? इतनी पिन पॉइंट खामोशी है घर के अंदर। तो बेटा मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट बार बार कर रही हूँ, काइंडली ऑर्गेनाइज योर लाइफ। आप अपनी लाइफ ऑर्गेनाइज कर नहीं रहे बेटा, मेरी अपनी भी पर्सनल लाइफ है, आई एम नॉट अ रोबोट कि आप मुझे मैसेज करेंगे और अगर मैंने आपको मैसेज का रिप्लाई नहीं किया तो आप मुझे कॉल्स पे कॉल कर देंगे। हो सकता है मैं उस वक्त नमाज पढ़ रही हूँ, हो सकता है मैं डिनर पे बैठी हुई हूँ, हो सकता है मैं अपने बच्चों को खाना दे रही हूँ, हो सकता है मैं खाना पका रही हूँ, जो मैं आपकी फोन कॉल अटेंड नहीं कर रही। एक बंदा आपकी फोन कॉल नहीं अटेंड कर रहा, इट मीन्स ही इज बिजी। हदीस में है कि आप एक दरवाजे पे जाएं और उसको 3 दफा दस्तक दे, अगर आपको वो रिप्लाई नहीं करता तो आप वापस मोड़ जाए। इज दैट द थिंग? मुझे बताएं उसके बाद एक नंबर को ब्लॉक करने के अलावा कोई चांसेस रह जाते हैं? और दूसरी चीज, अगर आप मुझे बार बार मैसेजिंग करेंगे, मुझे बताएं ना तो मैं अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट कर पाऊंगी ना मैं आपके कामों पे कॉन्सेंट्रेट कर पाऊंगी। मैंने तंग आके अपने फोन साइलेंट रखना शुरू कर दिया, मेरा व्हाट्सएप साइलेंट होता है 24 घंटे, मेरे जो फोन है उसके ऊपर जो है स्केड्यूल्स लगे हुए हैं कि इस टाइम पे मेरा फोन जो है ऑटो साइलेंट हो जाता है। Because students इस चीज को समझने को तैयार ही नहीं है कि एक बंदा कभी बिजी भी हो सकता है। बेटा लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, ये नहीं मैं परेशान हूँ, मैं सारी दुनिया को परेशान कर। That is really, मतलब बाज़ औक़ात मैं बड़ी हैरान हो रही होती हूँ, इतनी बेसब्री। एक दिन अगर आप वेट कर लेंगे, और हर चीज का एक वक्त होता है ना, विजडम इस चीज को कहते हैं सही वक्त पर सही काम। इज दैट द विजडम? क्या गलत वक्त पे रात 9:30 बजे आप एक क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि मैं आपको उस वक्त मेरी आंखें ऐसे बंद हो रही होती हैं, मैं उस टाइम जस्ट पैकअप कर रही होती हूँ। अगर आपको मैं ऑनलाइन नजर आती हूँ ना, तो बेटा वो इसलिए नजर आती हूँ कि आप ही लोगों का बैठे इंटरनेट पे काम कर रही हो। रात को मेरा पार्ट टू का लेक्चर भी गया क्योंकि मैं इतनी डिस्टर्ब्ड हुई आपकी उन मसले, ये 3 दिन आप लोगों ने मुझे इतना बात किया कि ना मैं रात को प्रॉपर अपना पार्ट टू का लेक्चर प्रिपेयर कर सकी, ना मैं पार्ट वन का लेक्चर प्रिपेयर कर सकी, ना मुझे रात को सही तरह नींद आई कि यार ये किस तरह के स्टूडेंट्स हैं। किसी के मसले मसाइल को आप लोग समझते ही नहीं, किसी भी टाइम उठ के जो है मैसेज कर दिया। आपके ग्रुप में एक लड़की है मोसिना, शी इज अ वेरी डिसेंट पर्सनैलिटी, वेरी डिसेंट, अभी प्रेजेंट नहीं है, लेकिन वो लड़की नॉर्मली पार्ट वन की तैयारी भी कर रही है, पार्ट टू की तैयारी कर रही है। आप यकीन नहीं करेंगे, उस लड़की ने कभी मुझे फोन नहीं किया, उस लड़की ने कभी मुझे मैसेज नहीं किया कि मैम मुझे कोई चीज समझ नहीं आती। और आप उसके मोसिना के मैं टेस्ट जब शेयर करती हूँ ग्रुप के अंदर, आप देखिए वो लिखती कितना प्यारा है, उसके लिखने से पता चलता है शी इज अ वेल ऑर्गेनाइज्ड पर्सनालिटी। ना मैंने उसका ग्रुप में कभी कोई फजूल किस्म का चैट रूम में कोई मैसेज पढ़ा आज तक। उसको मुझे ज्वाइन किए हुए 10 महीने हो गए या 8 महीने हो गए, मैं उसको, उस लड़की को 8 महीने से ऑब्जर्व कर रही हूँ। इवन वो
टेकिंग हैंड पे है ही नहीं, गिविंग हैंड पे. आपको पता है उसने परसों क्या किया उस लड़की ने? उसको पता है मैम जो है ना, जब लेसन या बुक एंड होती है, उसने बकायदा मुझे पार्ट वन के पास पेपर्स बगैर मेरे कहे उसने मुझे पूरी फाइल बना के इनबॉक्स किए. और पार्ट टू का मैं पोएटिक्स पढ़ा रही हूँ, उसने 2019 तक के जो मुझे वो है, हालांकि मैंने उसको नहीं ऐसा कोई टास्क दिया. मैंने कहा बेटा मैंने तो आपको ऐसा कोई टास्क नहीं दिया, देन व्हाई हैव यू डन दिस? कहती मैम आप भी तो हमारे लिए इतना कुछ करती हैं, तो व्हाई नॉट मी? तो बेटा ऐसे स्टूडेंट्स के लिए दुआएं निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी? कि और लिटरली वो जिस तरह से कह रही थी, मतलब उसके मैसेजेस मैंने पढ़े, और जिस तरह से वो कह रही थी कि मैम यू आर द वन ऑफ द ब्लेसिंग इन माय लाइफ एंड दिस एंड दैट, वो जो दे रही है ना मुझे, मुझे उससे अंदाजा हो रहा है वाकई इस लड़की को मेरी कदर है. और बेटा देने वाले को अल्लाह बड़ा देता है. दूसरी चीज, अपने इर्द गिर्द के लोगों में ना आसानियां बांटे, सुकून बांटे, बजाय इसके कि आप एक अच्छे खासे इंसान को मेंटली डिस्टर्ब करके रखें. मैं रात बहुत परेशान रही कि 3 दिन आपके ग्रुप ने मुझे पागल कर दिया. पार्ट टू का ग्रुप है, उनका भी टेस्ट था, किसी एक स्टूडेंट ने मुझे इनबॉक्स करके कुछ भी नहीं कहा. एक आपका ग्रुप है, अभी टेस्ट आप लोग सबमिट कराते ही है, मेरी शामत आ जाती है. इज इट, मतलब क्या ये फेयर है कि एक बंदा मुझे एक टेस्ट सबमिट कराने के बाद बार बार फोन करे मैम पसंद आया कि नहीं आया? जब आपके मार्क्स लगेंगे ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा. मेरे पास डेली के थाउजेंड्स ऑफ मैसेजेस आते हैं, थाउजेंड्स ऑफ कॉल्स आती हैं. मुझे बताएं कि मैं किस किस को आंसर करूं. आप लोग लकी हैं, आपको पूरा घंटा मिल जाता है, उससे ऊपर भी मिल जाता है. और मैं बार बार पूछती हूँ बेटा किसी का कोई क्वेश्चन है मुझसे पूछ ले, किसी का कोई क्वेश्चन है मुझसे पूछ ले. उस वक्त कोई नहीं पूछेगा. जब मैं ऑफलाइन हो जाऊंगी, जब मैं अपने घर में बिजी हो जाऊंगी, जब मैं अपने बच्चों में बिजी हो जाऊंगी, जब मैं घर के कामों में बिजी हो जाऊंगी, फिर मैसेजेस आने शुरू हो जाएंगे. इज दैट फियर? या आप वक्त पे काम कर रहे हैं? मैंने कहा ना हम बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, बट एक्शन स्पीक्स लाउडर देन. कम अज कम वक्त पे काम तो कर लिया करें, मैसेज भी वक्त पे किया करें, क्वेश्चंस भी वक्त पे पूछा करें. ये तो नहीं कि बेटा आप एक उस्ताद को परेशानी करके रख दो. कल मैं बिल्कुल रात को बग हो गई थी आप लोगों के अजीब अजीब सवाल पढ़ पढ़ते. और रही बात बुक लिस्ट की, तो बुक लिस्ट आपको जो प्रोवाइड की है बेटा वही खरीदनी है, इसके अलावा कोई किताब आपने नहीं खरीदी. और मैंने इन्हीं किताबों में से 5वीं किताब भी आपको पढ़ानी है, 6ठी भी पढ़ानी है, 7वीं भी पढ़ानी है, 10वीं भी पढ़ानी है. देन व्हाई आर यू आस्किंग अगेन एंड अगेन कि मैम इसमें 5वीं किताब मेंशन ही नहीं है? मैंने तो आपको वो बुक लिस्ट दी है जो आपने बाजार से जाके खरीदनी है. मैंने आपको ये तो नहीं कहा कि सिर्फ 4 ही पढ़ानी है, मैंने 5वीं मेंशन ही नहीं की. एटलीस्ट बंदा थोड़ा सा सब्र कर लेता, नेक्स्ट डे आने का इंतजार कर लेता. ऐसी क्या जल्दी है आप लोगों को? मलिया आपका हैंड रेस था बेटा, आप बताइए. अस्सलाम वालेकुम मैम. मैं कह रही थी कि ना हम चैट ग्रुप का भी एक टाइम रख लेते हैं, मींस के एक दिन में 3-4 आवर्स के लिए उसकी चैट ऑन कर दिया करेंगी. exactly. उसी में जिसने जो है, तो फिर बाद में मैं उसको फिर से ऑफ कर दिया करूंगी. अगर आप कहेंगी तो फिर मैं ऐसे कर लिया करूंगी बेटा. आपके चैट ग्रुप का भी टाइम रख लेते हैं, पार्ट 2 का भी ग्रुप है, उनका भी चैट रूम बना. और लिटरली वो इतना डिसेंट ग्रुप है, वो पार्ट 1 से भी ऐसे ही था. लेकिन आपका जो ग्रुप है ना, ये मुझे बड़ा तंग करता है, चाहे फिर वो इनबॉक्स में करे, चाहे वो चैट रूम में करे. तो अब आप बड़े हो जाए, ठीक है? अगर इतना इल्म आपको इतना कुछ भी नहीं दे सका कि आपने किस वक्त पे क्या काम करना है, तो फिर क्या फायदा हुआ इतने इल्म? तो इस चीज को समझें बेटा, किसी को परेशान नहीं किया. तो दैट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू. फोन कॉल्स बिल्कुल अलाउड नहीं है, मुझे कोई फोन कॉल नहीं करेगा. मैसेज एक किया करें, लेकिन वो कंसाइज एंड कॉम्प्रेस्ड होना चाहिए कि मैम मेरा ये इशू है. दूसरे से तीसरा मैसेज मुझे नहीं आना चाहिए. ठीक हो गया?
ताकि मुझे एक ही मैसेज आए, थाउजेंड में से अगर मैंने एक मैसेज पढ़ना है और वो भी इतना डिटेल्ड पढ़ना है कि पूरी कहानी लिखी हुई है उसमें, तो बेटा मेरे लिए वो मैसेज पढ़ना इम्पॉसिबल हो गया। एक मैसेज करें, कंसाइज सा करें कि मैम मेरा ये इशू है, बस बात खत्म हो गई। वो भी जब वाकई कोई ऐसा सीरियस इशू हो कि उसको सीरियस कंसीडर भी किया जाए। ये कोई इशू नहीं है कि मैम मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रही, मैम सुबह उठ नहीं पा रही, ये कोई मसले बताने वाले? ये तो साफ मसला बता रहे कि भाई आपका अपनी वजह से आपका मसला है, मेरी वजह से तो नहीं है ना। तो बेटा बड़े हो जाए आप, सारे बड़े हो जाए, बिहेव जस्ट लाइक दिस, के पता चले मास्टर्स के स्टूडेंट है, लिटरेचर के स्टूडेंट है, लिटरेचर का तो मतलब ही अदब है, तो पता चलना चाहिए कि अदब के स्टूडेंट है। और ये भी आपको पता चलना चाहिए कि उस्ताद को कितने मैसेजेस करते हैं, किस वक्त करते हैं और किस वक्त नहीं करते हैं। That should be unlimited. रिश्ते कोई भी हो, आपके रिलेशंस कोई भी हो, बेटा उस वक्त तक कामयाब रहेंगे जब तक लिमिटेशंस में होंगे। जब हम उनकी लिमिटेशंस क्रॉस कर जाते हैं ना, आपके झगड़े स्टार्ट हो जाएंगे। ये कोई वो नहीं है कि देर इज नो सॉरी एंड थैंक यू इन फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप की भी एक लिमिट होती है। नबी पाक ने फरमाया अपने घरों के दरमियान में फासला रखो, यानी कि हर बात दूसरे को नहीं बताओ, मत एक्सपोज करो अपने आप को दूसरों के सामने। तो इन चीजों को समझा कर, और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो ये चले मोहसिना एक एक्सट्रीम मतलब पॉजिटिव केस है, जो वाकई उस लड़की ने मुझे वाकई कभी फोन नहीं। सो इस चीज को समझे बेटा, मैं मेंटली रिलैक्स होंगी तो आपको एक क्वालिटी लेक्चर मिलेगा। मैं अगर मेंटली रिलैक्स नहीं हूँ, लिटरली मेरा आज दिल नहीं कर रहा था आप लोगों को पढ़ाने का। मैं सुबह तक सोचती रही कि आज इस ग्रुप को पढ़ाना है भी कि नहीं पढ़ाना, क्योंकि मेरी रात को मैं 4 बजे तक जाग रही थी कि यार मैं क्या करूँगा, इतना परेशान करते हैं बच्चों की तरह। मैंने कहा ना, 3 बच्चे अभी पीछे बैठे हुए हैं, आपको आवाज आ रही है कोई? और यहाँ पे बच्चे नहीं है माशाल्लाह, मैं क्या करूँ? और बिहेव कैसे करते हैं आप, पता ही कुछ नहीं। चैट में किस तरह, चैट रूम में कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना, कितने मैसेज करने, आपको पता उस चैट रूम के अंदर भी कितनी हाउसवाइफ बैठी हुई है, वो बेचारियां भी परेशान हो जाएंगी। मैम के स्टूडेंट सारा दिन मैसेजेस करते हैं, और लिटरली मुझे इनबॉक्स में आके स्टूडेंट ये कंप्लेन करते हैं, मैम काइंडली चैट रूम में स्टूडेंट्स को मना करें कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैट मत करें, हमारा चैट रूम भर जाता है। चैट रूम आपके फायदे के लिए रखा हुआ है, दूसरों को परेशान करने के लिए मैंने नहीं रखा हुआ। आपको कोई मसला है, आप मुझसे ये पूछे मैम सुबह आपने लेसन देना है, आपने क्या देना है? वैसे पहली बार ये कि वो ऑलरेडी अनाउंस्ड है ऑन फ्राइडे कि हमने जो है ये काम करना है। सिर्फ एक मेमूना वाहिद है जो आज न्यू कमर है, जिनको नहीं पता था, ठीक है, वो बंदी मुझसे पूछती तो जायज था, क्योंकि उस बेचारी को पता ही कोई नहीं था, बाकी नहीं पता था। लेकिन बाकी आप सारे तो ग्रुप के अंदर प्रेजेंट थे, तो काइंडली इस चीज को बेटा समझा करें, इस चीज को समझे कि वाकई मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं जो हूँ किसी की भी कॉल अटेंड करूँ और वो भी बार बार अटेंड करूं। आप मुझे एक मैसेज करें, 2 लाइनों में होना चाहिए या 1 लाइन में होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए ताकि मुझे पता चले मेरे स्टूडेंट्स के साथ मसला क्या है। वाकई अगर जेन्युइन इशू है, टेल मी, आई एम देयर विद यू, आई विल सपोर्ट यू 100%, आई विल सपोर्ट यू। लेकिन एक बंदा डर जाए कि हाँ जी मेरा एक स्टूडेंट है, वो मुझे बार बार कॉल, अल्लाह खैर करे पता नहीं क्या हो गया मेरे स्टूडेंट के साथ, और आगे से कुछ भी ना निकले, फिर आपको गुस्सा नहीं आएगा यार कि यार मैं अपना खाना छोड़ के टेबल पे मैं इस बंदी के लिए आई हूँ और ये मेरे साथ ऐसे कर रही है। पर मेरा एक दफा खाना छूट जाए ना बेटा, फिर मैं दोबारा खाती भी नहीं हूँ, फिर मैं भूखी सो जाती हूँ, मेरी ये आदत है। अगर टाइम पे खाना है तो खाना, नहीं तो मैंने खाना ही नहीं। सो काइंडली ये थोड़ा सा कोशिश किया करें कि बेटा 7 से 10 के दरमियान, एक तो आप लोगों ने मुझे कॉल्स नहीं करनी, कोशिश करें कॉल करें ही ना, मैसेज के थ्रू मुझे बता दें मैम मेरा ये मसला, ठीक है, दैट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अब मुझे बताएं किसकी क्या, किसका क्या क्या मसला था।
दुआ पढ़ लेते हैं, सुभानक अल्लाहुम्मा वबिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका वअतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।